वही क्या अभी सीन ये है जी, फोग काफी ज्यादा मेरे रास्ते में, ये फोग है सारी। और अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर इन पाकिस्तान। आज के भाई प्लान्स हमारे ऐसे हैं कि शबीर मियां को तो लग गई है चोट, और आपने वीडियो देख ली होगी, बिगनिंग में हमने डाल दिया हाईलाइट के अंदर। और अभी शबीर क्या खा रहा है जी, क्या खा रहे हो आप लोग, क्या कर रहे हो? हमें जो गिफ्ट्स आए हुए हैं आपको वो भी दिखा दें। ये हमारे बड़े अच्छे करीबी दोस्त भी हैं, मेरे क्लाइंट भी हैं, और उनकी तरफ से आई हैं, उन्होंने अपने बेटे के लिए बेचनी थी चीज़ें यूरोप, तो हमारे लिए भी गिफ्ट्स आ गए। गिफ्ट्स ये सूट है, अनस्टिच सूट है सारे, काफ़ी अच्छे कलर हैं इनके अंदर। आपको पता है मैं तो शलवार की इतनी पहनता नहीं हूँ। और परफ्यूम्स एक तो जे डॉट की है, और ये भी जे डॉट की, ये मैंने जैसे ये वाली मैंने यूज़ भी कर ली है, और बच्चों ने इसका डब्बे का कबाड़ा कर दिया। तो ये सूट है जी, इनका देखेंगे हमने क्या करना है, क्योंकि मैं तो ज़्यादा शलवार कमीज पहनता नहीं हूँ भाई। तू ना टूटी, ये कहाँ टूटने लगी है। तो अभी हमारा प्लान ये भी है कि हमने जाना है मरी आज एकदम से, कल रात को प्लान बन गया था मरी जाने का। बच्चे भी कह रहे थे हमने मरी जाना है, तो हमने कहा चलें जी, आपको यूरोप जाने से पहले पहले मरी की सैर भी करवा लेते हैं। मरी में कुछ देखने वाली चीज़ है तो नहीं, हमने तो खैर देखा हुआ सारा, लेकिन बच्चों के लिए एक नया एडवेंचर है। और मुझे लेनी है पैंट, क्योंकि पैंट्स आपके भाई को टाइट हो गई है भाई, क्या करूँ, यहाँ पाकिस्तान आके खाने खा खा के वेट हो गया जीवन। तो आज ही आज का व्लॉग भी स्टार्ट करते हैं इसी के साथ, और चलते हैं पहले मार्केट, पहले फिर पैंट ले आए। एक दो पैंट तो है लेकिन थोड़ी सी फिट है, तो हमारी में थोड़ा मौसम बेहतर भी है, थोड़ी सर्दी होगी। मैंने कहा क्यों ना एक नई पैंट ले ली जाए, एक नहीं अगर दो तीन पसंद आई तो वो ले लेगा, लेकिन अभी एक तो अर्जेंट मुझे चाहिए। ये रही जी हमारी आउटफिटर की शॉपिंग, और शबीर साहब ने अपने सामान लिया जो 50-50 रुपये वाला पठानों से मिलता है, 6000 का लिया इसने। अब ये घर जाके मामा से पटाई होगी आपकी भाई। ये शबीर, हाँ जी जी, जस्टिफाई करो अपना सामान, किधर भाग रहे हो दिखाओ। ये जी इसकी प्राइस क्या है जी, इसकी प्राइस है 2000। 2000 की क्या जी, ये 1700 की, ये माइन की। अल्लाह, आर यू किडिंग मी, 2000 की, 1100 की भाई, मुझे भी ले जाते भाई। जो ब्रांड तो जाओ ना, बच्चे से कर लेना, फिर पैसे खर्चने पैंदे हैं। ये आपको चाहिए फ्रेम, और ये आपके लिए भाई, आप फ्रेम करा के रख लो। अभी भाई रात के 12 बज गए हैं, और गाड़ी हमारी ये रही, और हम लोग यहाँ से अब पी रहे हैं चाय। सब में बड़ी दर्द हो रही थी, और अभी हम पहुँचे हैं तकरीबन दीना तो जो है इस्लामाबाद से कुछ ही किलोमीटर्स पीछे है, कुछ नहीं काफ़ी किलोमीटर्स पीछे है, 100 किलोमीटर के अराउंड तो है ही है। तो चाय पी के यहाँ फिर निकलेंगे, बच्चे साथ, बच्चे सो गए हैं, मैं भी थक गया था, पता नहीं क्यों तबीयत थोड़ी सी अपसेट हो रही है, कल रात को भी लेट सोया था, वो जल्दी मॉर्निंग में उठ गया था, नींद आ रही है, तो अभी चाय पीना बड़ा ज़रूरी था। चाय पी के थोड़े फ्रेश हो जाएंगे, और उसके बाद फिर जब पहुँचेंगे मरी, मरी में बाद जा कर देखेंगे क्या सीन है। मेरा अपना ख्याल है कि हम लोग मरी पहुँचेंगे तकरीबन रात के 3-3:30 बजे पहुँच, इतना हो ही जाएगा, क्योंकि हम ज़्यादा स्पीड से जा नहीं रहे, बच्चे साथ हैं, आराम आराम से जा रहे हैं, तो 3-3:30 तो बच जाएंगे। तो यहाँ पर हम होटल पर रुके हैं, पता जो ट्रक अड्डों वाले जो होटल होते हैं, यहाँ पर चाय बड़े मज़े की कड़क होती है, तो चाय पीना बहुत ज़रूरी है। ये रही जी हमारी चाय तो काफ़ी कड़क लग रही है। सभी जो ट्रक अड्डे होते हैं जहाँ पे ट्रक वगैरह रुकते हैं, आके इनकी जो चाय होती है बड़ी मजे की होती है भाई, इन जैसी चाय आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। महीने क्या पीना है, आपने चाय नहीं पीनी नहीं। आज आपने कैब कहाँ से ली है? मैंने लग दी है, अच्छी है, घड़ी भी ली है, वाओ। महीन क्या हुआ क्या हुआ? अभी सीन ये है जी, फोग काफ़ी ज़्यादा मेरे रास्ते में, ये फोग है सारी। और महीन को भी वॉमिटिंग हो रही थी, तो हमने यहाँ पे गाड़ी 2 मिनट के लिए रोकी थी कि महीन को वॉमिटिंग करवा ली जाए, पानी शानी पी लिया। अब कैसी तबीयत है आपकी, ठीक है? ठीक है, चले भागे। ये होटल है, गेस्ट हाउस है, जहाँ पे हमें रूम स्वीट ले रहे हैं, फैमिली स्वीट है। यहाँ पे रेट इस टाइम काफ़ी ज़्यादा हाई है यहाँ पे, क्योंकि पीक सीजन जा रहा है। हमने काफ़ी 3-4 जगह पे हमने ट्राई किया, वो नहीं मिला हमें, फिर वापस गए हैं, फिर वापस आए हैं यहाँ पे,
चलो भाई ये माल रोड के बिल्कुल पास में है, हमें वॉक करके इजीली एक्सेस मिल जाएगी माल रोड के ऊपर, ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा हमें। तो अभी हमजा गया अंदर और बिल्कुल उनको एडवांस पेमेंट करेगा तो फिर हमें चाबी मिलती है तो फिर हम चलते हैं ये रूम के अंदर, थोड़ा रेस्ट करते हैं और फिर निकलते हैं, आपको माल रोड भी दिखाते हैं कि माल रोड पर आज ही क्या सूरत हाल चल रही है। ये क्या ये उठा ले कपड़े वाले, तो ये राजी स्वीट ये जी डबल बेडरूम स्वीट है यहाँ पे, हम आपको एक छोटा सा क्विक सा टूर करवा दूँ आपको मैं। नहीं है सामान, आप थक गए हैं महीन, आप क्या कर रही हो यहाँ पे रूम है, क्या हुआ आपको, डैडी से कट्टी होगी हो, क्या दे रहा आपको, आप जूस पीना है, ओ महीन तो नाराज हो गई है, चलो आओ मैं आपको जूस लेके देता हूँ, आ जाओ, नहीं बोलना मेरे साथ पक्की बात है पक्की बात, डैडी साथ ही बोल। अभी सीन ऐसा है कि भाई बज गए रात के 12:30, सुबह की अजानें भी शुरू हो गई हैं और हम लोग अभी निकले हैं क्योंकि हम हो गए थे लेट फॉग की वजह से, बट स्टिल अभी बड़ा रश है यहाँ पे, आपको दिखा देते हैं। हमजा ये जा रहा है और महीन मेरे साथ है और बच्चे इस टाइम जिद कर रहे हैं जी हमने कुछ खाना है इस टाइम, तो हमें भूख थोड़ी बहुत लग रही है, अभी अभी सोएंगे क्या जागेंगे क्या, तो ट्रैवल ऐसे ही होता है, तो अभी हम कुछ देख रहे हैं कि हम कहीं बैठ के कुछ खा लें और बच्चों को भी खिला लें, बच्चे जो ज़िद कर रहे हैं ताकि ये भी ज़रा हमें तंग करना बंद कर दें। अभी सुबह के बज गए हैं जी 12 और हम लोग उठ गए हैं, मैंने सोचा क्यों ना बाहर जाके वेदर को चेक किया जाए, तो अभी हुई है बारिश और ठंड होगी काफ़ी ज़्यादा, कोई बात नहीं है, हमने बस थोड़ी देर यहाँ पे घूमना है और थोड़ी देर के बाद फिर हम लोग उठेंगे इस्लामाबाद की तरफ, फटाफट से रेडी हो जाए क्योंकि टाइम हमारे पास बड़ा शॉर्ट है, जो हमने चीज़ें मार्क की हुई हैं, जो पॉइंट्स हमने मार्क किए हुए हैं अपने यहाँ जहाँ हमें विज़िट करना है, अगर हम टाइम से नहीं निकलेंगे तो वो हमारे हम वो प्रॉपर विज़िट नहीं कर पाएंगे। सुबह सोए थे हम तकरीबन 500 बज ही गए थे, सबसे 5:30 हो ही गए थे मुझे, और अभी उठ गए हैं, सर में दर्द हो रहा है, अभी नाश्ता करते हैं, चाय पीते हैं और पैनाडोल खाते हैं जिससे हमारी जो सर दर्द है वो दूर हो जाएगी, और फिर हम थोड़ा घूमते हैं, वेदर को एंजॉय करते हैं, मरी के लोग बस निकल पड़े हैं जी बाहर रोडों के ऊपर, हम भी निकलते हैं आज फिर रेडी हो जाए। इन रेडी हो गई है, हो गई हो ले जी, हम लोग हो गए अब रेडी और गाड़ी बिल्कुल हमारे दरवाजे के पास आ गई है, सारे लोग रेडी हो गए हैं, बस अब गाड़ी में बैठेंगे जाके और निकलेंगे हम कश्मीर पॉइंट की तरफ, वहाँ पे कुछ पिक्चर्स वगैरह बच्चों की खींचेंगे, बच्चों को वहाँ से दिखाएंगे और फिर ऑन द वे नाश्ता तो हमने करना नहीं है, अभी कुछ दिल नहीं कर रहा, कॉफ़ी शॉफी पियेंगे रास्ते में, मैकडोनल्ड्स आता है या कोई कैफेटेरियाज आते हैं कश्मीर पॉइंट पर, वहाँ पर जाके चाय पियेंगे, उसके बाद फिर हम निकलेंगे इस्लामाबाद की तरफ, इस्लामाबाद में कुछ पॉइंट्स हमने मार्क किए हुए हैं, यहाँ पर हमने विज़िट करना है, तो आज जी अब टाइम हो गया हमारे निकलने का। ये राजी जी पी ओ चौक और रश इस टाइम काफी ज्यादा है, लेकिन हाँ मेरा ख्याल है हम लोग निकल ही जाएंगे थोड़ी देर में, चलो बैठो गाड़ी में। सीन ऐसा जी सनरूफ के ऊपर फोटो शोटो खींचने का प्लान बना हुआ है, तो हम जरा फोटो शोटो खिंचवा लें अपनी, महीन को आज बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ, डर लगता है आपको, महीन की डिमांड है जी हमने खाने हैं पॉपकॉर्न, के खाने पॉपकॉर्न खाने हैं गर्मा गर्म पॉपकॉर्न, अभी हम कर रहे हैं नाश्ता, नाश्ता तो नहीं बस कली चाय और बिस्किट हमें लिए हैं, और ये हमने लिए कॉफ़ी का नाम क्या है, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, ये मरीज से वापस आते हुए रास्ते में आता है, तो बिस्किट अगर इस तरह ना खाया तो भाई फिर आपको बिस्किट खाने का पता ही नहीं है। भाई भाई बारिश स्टार्ट हो चुकी है, मौसम बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हो चुका है, और उसको चलो आप बैठो, बैठो महीन को मजा आ रहा है।
अरे हम लोग जी पहुंच गए हैं डायनो वैली इस टाइम, और ऊपर चढ़ के जा रहे हैं सीढ़ियाँ। इधर से व्यू दिखाते हैं, डायनो वैली काफ़ी हाइट पे बनी हुई है और जो उन्नाल से तकरीबन 10 किलोमीटर आगे है। तो सांस भूले भाई, मैं इनको उठा के चढ़ना ऊपर हिम्मत वाला काम है। अरे ये क्या वो क्या वो डायनासोर है, वो देखो। अब हाथ लगाओ डायनासोर को, हाँ लगाओ प्लीज। ये रहा डायनासोर, हाथ लगा लो हाथ। आज के ट्रिप पर जितने पैसे लगे ना सिर्फ ये भाई साहब को देखने के लिए। भाई ओ देखो भाई, कहाँ से इसको लटकाया हुआ है इन्होंने, और ये डायनासोर है जो जुरासिक वर्ल्ड के अंदर आया हुआ, जुरासिक पार्क के अंदर आया हुआ है। तो ये भाई साहब है जो मेन अट्रैक्शन है यहाँ की डायनो वैली की, और यहाँ पे फोटो शोटो खींचते हैं हम लोग, आपको दिखाते हैं मेम यहाँ से इसको। ये राजी बोलिया पीछे चला जा, तू एक मिनट सबर करो। नहीं चुप कर, अब कोई जी। रात के 9 और हम इस टाइम मौजूद हैं मशहूर जो रेस्टोरेंट है जहाँ की दाल मशहूर है। कमेंट में बताइएगा मैं किसका नाम ले रहा हूँ। चलो मैं भी बता देता हूँ, मियाँ जी रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ। महीन आप चलो अंदर चलो। तो खाना मैं यहाँ खाया पेट भर के, देसी खाने की अपनी क्या बात है। इनकी मशहूर दाल देसी घी वाली और रोटियाँ मशहूर है, वो हमने खाई हैं अभी, और पेट हो गया हमारा फुल, और अभी आ रही है मुझे जबरदस्त किस्म की नींद आ रही है। ले भाई हम फाइनली घर पहुंच गए हैं, और थकावट फाड़ू किस्म की हो गई हुई है इस टाइम। ट्रिप बड़ा अच्छा रहा, जबरदस्त रहा, पैसे भी बड़े लग गए हमारे जी। पूरा एक नोट माने बोलो, पूरा एक नोट लग गया, और जिसको एक नोट की समझ आ गई तो कमेंट करके बता दिए एक नोट किसे कहते हैं। तो जी आज का वो लोग यहीं ख़त्म करते हैं, मैं सोने जा रहा हूँ। नेक्स्ट वीक मेरी फ्लाइंग है यूरोप के लिए, और उसकी भी तैयारियाँ भी स्टार्ट करनी है हमने। बड़े काम अब हमारे आ गए हैं फ्री वाले। अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आप वीडियो को शेयर एंड कमेंट लाजमी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं कल के वो लोग के अंदर जी, अल्लाह हाफिज़।